हाँ यार, मुझे पता है तुम इतनी मेहनत से हाई क्वालिटी में वीडियो शूट करते हो, इतनी मेहनत से एडिट करते हो, उसके बाद एक्सपोर्ट करते हो। एक्सपोर्ट करने के बाद क्या देखते हो? तुम्हारी वीडियो क्वालिटी कम हो गई। मतलब क्या मजाक है? मतलब इतना मेहनत करने के बाद भी तुम्हारी वीडियो क्वालिटी पे जो है ना, उतनी मजा नहीं दे रही है। इसमें ना थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी पड़ेगी तुम्हें, मतलब थोड़ी बहुत सेटिंग करनी पड़ेगी, जिससे तुम्हारी वीडियो है ना एकदम बेहतरीन क्वालिटी में रेंडर होगी। तो यार देखो, हम लोग आ गए प्रीमियर प्रो पे। तुम्हें पता ही होगा कंट्रोल प्लस एम से क्या होता है, मतलब एक्सपोर्ट का पैनल खुल जाता है। मैं ना दो रेंडरिंग सेटिंग बताऊंगा। एक है जो नॉर्मल सी आपकी जो रॉ वीडियो है, जो रॉ वीडियो की क्वालिटी है आपकी, जो क्वालिटी आपने खींची है वो सेमी क्वालिटी निकल के आएगी। सिंपल सी चीजें चेंजिंग करनी होगी। तो यार फॉर्मेट पे ना तुम्हारी बहुत सारी ऑप्शन मिल जाएगी। तो यार जो सूटेबल है ना, मतलब कि हर चीज में चल जाती है, टीवी हो या यूट्यूब पे अपलोड करना हो या तुम्हें अच्छी क्वालिटी में वीडियो देखनी है। प्रीसेट में ना तुम क्या करते हो ना, सिर्फ हाई क्वालिटी 1080p सेलेक्ट करते हो और रेंडर कर देते हो। इससे क्या होती है ना, क्वालिटी होती है उतना हाई क्वालिटी में नहीं दिखता। यहाँ पे ना क्या करना, हाई क्वालिटी 1080p इसको सेलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पे लोकेशन है, आप लोकेशन तो यार सब नॉर्मली है, ये तो तुम्हें पता ही होगा। फिर आते हैं हम वीडियो सेटिंग पे। यहाँ देखो बेसिक वीडियो सेटिंग है, यहाँ पे 1920x1080 है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। फ्रेम रेट है जो 60 फ्रेम पे शूट किया होता है, 60 फ्रेम पे यार ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहता है। यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे फ्रेम रेट दिया हुआ है, तुम्हें जिस फ्रेम रेट पे रेंडर करना है ना उस फ्रेम रेट पे रेंडर कर सकते। बेसिकली हम ना क्या करते हैं कि छेड़छाड़ नहीं करते, जो ओरिजिनल वीडियो की फ्रेम साइज है ना, मैं बस उसी को रहने देता हूँ। मतलब 60 यार ऑसम, स्मूथनेस आती है 60 फ्रेम पे। फिर आता है फील्ड ऑर्डर, इसको प्रोग्रेसिव पे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इफेक्ट आता है ये एक्सपायर्ड पिक्सल पे ही रहने दो, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। ये जो है ना रेंडर एट मैक्सिमम डेप्थ, तुम इसे सिलेक्ट करना। इससे क्या होता है, जो डेप्थ होती है ना वीडियो की वो बहुत अच्छी आती है, तो तुम इसे सिलेक्ट कर लो। नीचे आते हैं, यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया है, इस हार्डवेयर इनकोडिंग रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोफाइल मैं इसे हाई पे ही रखता हूँ। लेवल जो है इसको तुम 5.0 कर लो। फिर नीचे आते हैं, ये सब ऐसे ही रहने दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पे समझने वाली चीज है, बिटरेट जो सेटिंग होती है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वीडियो रेंडर करने टाइम। इसमें समझने वाली बात ये है, तुम्हारी वीडियो कैसी है, कौन सी टाइप का है, ब्लॉगिंग है, रनिंग वीडियो है, एस्टेंट वीडियो है। यार तुम्हें तो पता ही होगा, गिम्बल पे शूट कर रहे हो, खड़े होके सिर्फ या बैठ के सिर्फ वीडियो बना रहे हो यूट्यूब के लिए या किसी भी चीज के लिए। तो यार तुम यहाँ पे VVR दिया हुआ है, यहाँ पे VVR 1 pass एंड 2 pass, तो ये VVR 1 pass ही रहने देना। अगर तुम्हारी वीडियो गिम्बल से शूट हुआ है, बहुत ज्यादा रनिंग शॉट है या ब्लॉगिंग है, ये सब चीज है, तो तुम यहाँ पे सीधे सेलेक्ट करो VVR 2 pass। तुम्हारी वीडियो किस फ्रेम रेट पे शूट हुई है, कौन सी क्वालिटी है, किस क्वालिटी में शूट की हो, वो चीज ना तुम्हें देखना होगा। अगर तुम्हारी वीडियो 1080p है ना, 15-16 रखते हैं बिटरेट, ठीक है। अगर तुम्हारी 4K है तो 30-35 रखते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, अगर वीडियो 1080p है ना, तो मैं इसको सीधे कहाँ पे ले जाता हूँ, 40 पे। मैक्सिमम बीट रेट क्या होता है, इसका मैक्सिमम बीट रेट ना मैं कर दूंगा कितना, 100, देखा। या फिर इसको तुम टारगेट बीट रेट को 50 भी कर सकते। इससे तुम्हारी वीडियो क्या है ना एकदम हाई क्वालिटी में रेंडर होकर निकली। जो मैंने बताया उसको अच्छे से ध्यान से समझ लो, यही तुम्हारी वीडियो में ना क्वालिटी उभारेगी, मतलब कि मक्खन बनाएगी। आगे चलते हैं, आगे एडवांस सेटिंग। वीआर वीडियो तो है नहीं हमारा, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूज मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी, इसको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना। ये है फ्रेम सैंपलिंग, फ्रेम सैंपलिंग में रहने देना, मारो एक्सपोर्ट। तो भाई ये थी तुम्हारी पहली सेटिंग। मैं तुम्हें बताता हूँ सेकेंड रेंडरिंग सेटिंग, मतलब एक्सपोर्ट सेटिंग जो भी कह लो। इसमें क्या है ना, मैंने बहुत सारी वीडियो ना रेंडर करके देखा, लेकिन यार मुझे ना जो रॉ वीडियो है ना उससे और ज़्यादा क्वालिटी चाहिए था। मतलब कि क्वालिटी इतना होना कि फट जाए टीवी एकदम। इसमें ना क्या है, तुम्हें एक चीज करना होगा, क्विक टाइम इंस्टॉल करना होगा। क्विक टाइम क्या होता है, वो तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम वहां से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। मतलब क्विक टाइम इंस्टॉल करने के बाद इसमें जो फॉर्मेट हमने सेलेक्ट किया ना, क्विक टाइम पे सेलेक्ट कर लो। इससे क्या होगा ना, तुम्हारी वीडियो की क्वालिटी जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, वीडियो साइज ना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो तुमने ये चीज ध्यान से करना यार, सही बता रहे हैं हम, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसमें। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें क्वालिटी चाहिए, वीडियो साइज की नहीं पड़ी है, तो फिर ये चीज़ कर लो। तुम प्रीसेट जो दिया हुआ है ना, सेकंड ऑप्शन है, इसको चूज कर लो। इसमें ना बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी में फ्रेम रेट निकल के आती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी में, जो वीडियो की क्वालिटी है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्या ही बताएं, रॉ वीडियो से ना दुगनी क्वालिटी दिखेगी तुम्हें। नीचे में इसमें सेम ही रहना है, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, बस रेंडर एट मैक्सिमम डेप्थ को सिलेक्ट करना है। बाकी यहाँ पे 8 bit 16 bit दिया हुआ है, इसको कुछ नहीं करना है, बस रहने दो ऐसे ही इसको। यूज मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी, फिर सेलेक्ट करो, फिर रेंडर करो। सही बता रहे हैं यार, इससे तुम्हारी वीडियो इतनी हाई क्वालिटी में रेंडर होगी ना, क्या ही बताएं, मतलब मजा ही आ जाएगा देख के। लेकिन भाई फाइल साइज जो होता है ना, मतलब इतना बढ़ जाता है कि क्या ही बताया जाए। चलो तो सिर्फ इतना ही यार, रुको 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 रुको,
तुम्हें एक्सपोर्ट करना पता चल गया कि एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात सीक्वेंस सेटिंग अगर अच्छी नहीं है ना तुम्हारी, तो यार सही बता रहे, तुम्हारी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी रेंडरिंग के बाद भी। सीक्वेंस सेटिंग सीखनी है ना, मेरी अगली वीडियो सीक्वेंस सेटिंग पे ही आ रही है, तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, लाइक कर लो, जो करना है करो, लेकिन यार सब्सक्राइब कर देना जल्दी। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अरे हटो ना।